जैन परंपरा में अति प्रस्तुत एवं पवित्र माने जाने वाले भक्तांबर सूत्र महामहोत्सव का आयोजन नागपुर में पहली बार इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आगामी 23 जून को सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में ऋचा जैन ने दी है। गौरतलब है कि यह स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली एवं अपूर्व आत्म प्रसन्नता देने वाला है। इस स्तोत्र की गाथाओं में गुम्फित शब्दों का संयोजक इतना अद्भुत है कि उस शब्दोच्चार से प्रकट होने वाली ध्वनि के परमाणु वातावरण को आंदोलित करते हुए चौतरफा फैल जाते हैं। हालांकि अपने चमत्कारों से भरपूर कहानियां किंवदंतियां इस स्तोत्र के आसपास मंडराती है, जो भक्तांबर स्तोत्र में गुंती हुई है। भक्तांबर की गाथाओं में कुछ ऐसा अनोखा तत्व छुपा है, जिससे सदियां बीत जाने पर भी उसका प्रभाव अविकल है एवं अविच्छिन्न है। इसे महत्व को पहचानते हुए भक्तांबर सूत्र महामहोत्सव का आयोजन नागपुर में पहली बार इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आगामी 23 जून को सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में ऋचा जैन ने दी है। जहाँ उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का भव्य आयोजन 23 जून को सुबह 7 बजे से होगा। इसी श्रेणी में श्री दिगंबर जैन नागदा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा 8:30 बजे तो वहीं डॉक्टर अनिश जैन द्वारा भक्तांबर हीलिंग जैन समाज की सुप्रसिद्ध गायक कुमार चेटनी नमोकार मंत्र का भव्य मंगलाचरण सुबह 9:45 बजे होगा। साथ ही नागपुर में पहली बार डॉक्टर मंजू जैन के मार्गदर्शन में भक्तांबर नाटिका का आयोजन राधे क्रिएशन के कलाकार द्वारा की जाएगी। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम के मध्य से शहर में नया इतिहास बनने जा रहा है, जहां 4,800 परिवार हाथों में दीपक लेकर सुप्रसिद्ध कलाकार राजीव जैन के द्वारा जैन समाज का सबसे बड़ा स्तोत्र भक्तांबर की महा आराधना की जाएगी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर विजय दर्डा, पूर्व सांसद, राज्यसभा एवं चेयरमैन लोकमत मीडिया ग्रुप, साथ ही अध्यक्ष सकल जैन समाज, अनुराग जैन IPS ऑफिसर, डॉक्टर मनिंद्र जैन दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन महासमिति, जितेंद्र जैन दिल्ली अध्यक्ष AISJC, शीला जैन दिल्ली महिला अध्यक्ष AISJC, अनिल जैन दिल्ली उपाध्यक्ष AISJC, दिलीप खिवारे मुंबई वरिष्ठ समाज सेवी, उज्जवल पकारिया, सोनल जायसवाल जैन, नितिन खारा, ओम शांति तेजपाल, संतोष पिठारी, अभय जी पनवेलकर, सुभाष कोटेचा, भरत पाटविया, दिलीप राका, अतुल कोटेचा, मनीष भाई मेहता, अनिल जैन, VSR, आनंद जैन, संतोष जैन, अनुज बड़जात्या, सतीश पेढ़ारी, प्रशांत मानिकर आदि मौजूद रहेंगे। डॉक्टर ऋचा जैन, हमारे साथ डॉक्टर अनिश जैन है, सुभाष जी कोटेचा है, डॉक्टर मंजू जैन है, डॉक्टर चारू जी है, सतीश कोटेचा है और संगीता जी है। आज ये एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन नागपुर शहर में हम पहली बार करने जा रहे हैं, जो है भक्तांबर महामहोत्सव। भक्तांबर महामहोत्सव जो कि 23 जून दिन रविवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जहां पे भव्य जुलूस निकलेगा। जैन धर्म की अहिंसा की फटाका भक्तांबर जुलूस पहली बार नागपुर शहर में निकलने जा रहा है। उसके बाद ही सुरेश भट्ट में हम सब प्रवेश करेंगे, सभी के लिए मंत्रित माला, मंत्रित दुपट्टे, मंत्रित हाथ का रक्षा कवच और सभी का उससे स्वागत होगा। उसके बाद डॉक्टर अनिश जैन द्वारा मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन के तुरंत पश्चात मंत्र की धुन के साथ एक भक्तांबर का मंगला, भक्तांबर और नमोकार मंत्र का मंगलाचरण होगा। उसी के बाद तुरंत नागपुर शहर में पहली बार भक्तांबर की बहुत अच्छी नाटक की प्रस्तुति होगी, जो डॉक्टर मंजू जैन द्वारा सोनल जायसवाल के सहयोग से सारिका पेंट से की टीम ने डिज़ाइन किया हुआ है। उसी के बाद में तुरंत में एक बहुत अच्छा 4800 दीपक एक साथ हाथ में लिए जाएंगे और वो 4800 दीपक के साथ कंप्लीट आप इसमें दिगंबर सितंबर स्थानकवासी मतलब सकल जैन समाज की लगभग 28 महिला मंडल, सकल जैन समाज की 28 से 30 ट्रस्ट कमेटी उस हॉल में मौजूद रहने वाली हैं और हमारे लगभग दिल्ली बेंगलोर बॉम्बे इलाहाबाद सभी जगह से आए हुए लगभग 100+ अतिथि वहाँ रहने वाले हैं। हमारे सभी चीफ गेस्ट वहाँ पे रहने वाले हैं और उस आयोजन का दीप प्रज्वलन किया जाएगा। नाटिका वहाँ दिखाई जाएगी, भक्तांबर के 4800 दिए से भक्तांबर का पठन पाठन किया जाएगा और उसके तत्पश्चात जो लोग भोजन के बाद में जो लोगों को भक्तांबर से
बच्चे हुए हैं, जो लोगों के भक्तांबर से डिसीज ठीक हुई है, जिनके कैंसर ठीक हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हुई हैं, वो बीमारियों का आप आधे घंटे वो जरूर लाइव देखें कि किस तरह से लोगों ने अपनी बीमारियों पे इलाज पे अपनी, जैसे आप हजारों लाखों रुपए जहां इलाज में खर्च कर देते हैं, उसके साथ यदि भक्तांबर की शक्ति, नमोकार मंत्र की शक्ति जुड़ जाती है, तो मैं ये मानती हूँ कि वैसे ही लोग ठीक हो जाते हैं। उसके तत्पश्चात नागपुर शहर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है कि इंटरनेशनल भक्तांबर अवार्ड नागपुर में दिए जा रहे हैं, जिस भक्तांबर अवार्ड में आप केवल इंडिया में नहीं विदेश तक वो अवार्ड जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो भक्तांबर से फ़ायदे लिए हैं, जिन्होंने भक्तांबर पे पीएचडी की है, ऐसे लोगों को कोविड से जिन्हें भक्तांबर में बहुत लोगों को फ़ायदा दिया है, ऐसे लोगों को नागपुर में डॉक्टर अनीश जैन और इनका संस्था जो भक्तांबर इंटरनेशनल भक्तांबर स्त्रोत महोत्सव के समय में इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वो अवार्ड दिए जाएंगे। और उसी के तत्पश्चात गोद भराई का कार्यक्रम, ऐसी भव्य गोद भराई जो माता आप मानते हैं कि उस दिन भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक है, उस गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर 48 माताओं की गोद भराई होगी। जैसे अनीश जैन जी ने अभी बताया कि वह माता जो प्रेग्नेंट है, जो है वह माता जिनके भक्तांबर के उससे बच्चे हुए हैं, और वह माता जिनको बच्चे नहीं हैं, वह भी ऐसी गोद भराई हम वहाँ करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर हम लोग देने वाले हैं। तो आप सब, अनीश भैया का जो प्रयास है, डॉक्टर मंजू जैन का जो प्रयास है, सुभाष कोटेजर, सतीश भैया, संगीता जी और संपूर्ण सकल जैन समाज का जो प्रयास है, और उसको सफल बनाना है। और इसमें हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री विजय डाडा जी, आईएएस ऑफिसर अनुराग जी, दिल्ली से हमारे अनिल भैया, जितेंद्र भैया, शीला दीदी, साथ में उज्ज्वल पगारिया, सोनल जयसवाल, नितिन खारा जी, ओम शांति तेजपाल जी, संतोष भंडारी, अभय पनवेलकर, सुभाष कोटेचा, भरत बाट भैया, दिलीप राका, निखिल कुसुमगर, अतुल कोटेचा, मनीष भाई मेहता, अनिल जैन भैया, आनंद भैया, संतोष भैया, अनुज बरजात्या, सतीश भंडारी जी, प्रशांत मानेकर, सभी मतलब हर समाज के अध्यक्ष, मंत्री, ट्रस्टी, सभी महिला मंडल के अध्यक्ष, वो उस दिन हमारे साथ हैं। और सबको साथ रहना है। ये प्रोग्राम, मैं एक संदेश यहाँ मीडिया को देना चाहूँगी, ये प्रोग्राम केवल जैन का नहीं है, ये प्रोग्राम हम का, आपका, सभी का है और जन जन का है। तो सब, मैं अनीश भैया से बोलूँगी, सब। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।